हेलो पंडित जी, सर गिरफ्तारी हुई है सचिन खेड़े की, क्या है पूरा मामला, कौन कौन से मामले इनके ऊपर दर्ज हैं? वही कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद के डायरेक्शन में काम करते हुए विकास चौधरी मर्डर केस में जो वांटेड था सचिन खेड़ी, उसको SIT के द्वारा कल राउंडअप किया गया है। एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि सचिन आज फरीदाबाद में आएगा, उसी इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर फरीदाबाद क्राइम ब्रांच में अलवर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था। तो इंस्पेक्टर हमारे अमित की टीम के ऊपर इसने हायरिंग की, इसको रुकाने की कोशिश की और इसने उनके ऊपर फायर कर दिया। और रिटेलिएशन के अंदर पुलिस ने फायर किया जिसमें एक गोली इसके पैर पर लगी है और इसको मैं उसके बाद में राउंड अप कर लिया। कौन कौन से मामले इनके ऊपर दर्ज हैं, विकास में इसका क्या रोल था, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए विकास चौधरी के अंदर ये मेन एक्यूज था, जो 5 लोग गाड़ी में आए थे उनमें से सचिन साथ था जो कि गाड़ी चला रहा था। और टोटल इनके ऊपर फरीदाबाद में 9 केसेज रजिस्टर्ड है, इसके अलावा कुछ केसेज पलवल और गुड़गांव के अंदर जी। किस तरह के केसेज हैं इनके ऊपर? इनके ऊपर हत्या है, हत्या के प्रयास और लड़ाई झगड़े के काफ़ी केसेज हैं। तो फिलहाल इलाज चल रहा है इसका? हाँ फिलहाल अभी उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद अभी तो 307 के केस में अरेस्ट किया जाएगा और बाकी उसके बाद में फिर विकास चौधरी वाले केस के अंदर इसको रिमांड किया जाएगा। कितनी बड़ी कामयाबी इसको मान रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था पहले कौशल और अब? देखिए तो आप लोग ही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, बाकी SIT जब से DGP साहब के द्वारा बनाई गई थी उसके बाद कंटिन्यूसली हम इस केस के ऊपर काम कर रहे थे। और कौशल को भी हमने इसमें अरेस्ट किया है और साथ साथ हम सचिन खेड़े को अरेस्ट किया है, बाकी जो एक्यूज है उनको मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ जल्द ही अरेस्ट किया। अब ये माना जाए कि फरीदाबाद पुलिस फुल एक्शन में है और किसी भी तरह से कोई आरोपी नहीं बचेगा अपराधी? हम वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट एफर्ट्स, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इसके अंदर बचे हुए एक्यूज है उनको तुरंत अरेस्ट कर दिया। और बाकी जो अपराध छोटे मोटे हो रहे हैं उनके लिए कोई चेतावनी देना चाहेंगे, किसी तरह की कोई बात कहना चाहेंगे? देखिए अभी हमारे नए कमिश्नर पुलिस ने ज्वाइन करते हुए एक मैसेज बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ था, वो शायद मीडिया में सर्कुलेट भी हुआ, किसी प्रकार के भी चाहे वो जुआ है, अवैध शराब है जो बिक्री हो रही है और उसकी वजह से जो अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है उसको पूरी तरह से नियंत्रण में किया जाए। एक छोटी सी बैठक।